हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे वृद्धि एवं विकास के बारे में। जो मानव विकास का अध्याय है जिसमें आपको पढ़ाएंगे वृद्धि एवं विकास के बारे में। वृद्धि क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, वृद्धि और एवं विकास दोनों ही सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती हैं। तो पहले हम आपको वृद्धि के बारे में समझाएंगे। तो वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना, बढ़ना या फैलना। जब वृद्धि होती है, वृद्धि किस में होती है, कोशिकाओं में, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि कोशिकाओं के माध्यम से ही होती है। जिस तरह से मानव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिकाएं बढ़ती हैं, शरीर का आकार भी बढ़ता रहता है। वृद्धि और विकास ये दोनों एक दूसरे के पूरक होती हैं। संसार के सभी सजीव प्राणियों में वृद्धि पाई जाती है। अगर उसकी वृद्धि नहीं होगी, उसका विकास नहीं होगा तथा वह इस संसार में अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना, टू ग्रो। जो वृद्धि होती है यह मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि को हम देख सकते हैं, यह मूर्त होती है। वृद्धि को हम नाप सकते हैं, यह मापनीय होती है। जैसे किसी बच्चे की हम लंबाई को माप सकते हैं, चौड़ाई को माप सकते हैं। तो वृद्धि कैसी होती है, मापनीय होती है, मूर्त होती है, इसको हम देख सकते हैं। जो वृद्धि होती है यह विकास का घटक होता है। क्या होता है, विकास का घटक होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि होती है, मापनी होती है, यह एक साधारण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, साधारण प्रक्रिया है। जो वृद्धि होती है यह भ्रूणावस्था में से प्रारंभ होकर परिपक्व अवस्था तक होती है। जो बच्चे का गर्भ में भ्रूणावस्था में होता है तभी से वृद्धि उसकी प्रारंभ हो जाती है। यह भ्रूणावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक चलती रहती है। जो वृद्धि होती है ऊर्ध्वाधर बढ़वार होती है। आपने देखा होगा बच्चों को जो शैशवावस्था से लेकर के बालावस्था तक उनकी लंबाई बढ़ती है, तो वृद्धि ऊर्ध्वाधर बढ़वार होती है। उसी प्रकार वृद्धि होती है, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, ना ही निश्चित दिशा होती है। अपने घर या परिवार, अपने माता पिता के वंशानुक्रम के हिसाब से अपनी लंबाई और आकार में परिवर्तन करता है। उसी प्रकार जो वृद्धि होती है इसका क्षेत्र संकुचित होता है। मतलब जो वृद्धि होती है इसका समय भ्रूणावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक, किशोरावस्था तक चलती है, तो संकुचित इसका क्षेत्र होता है। वृद्धि, जो वृद्धि होती है इसमें कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है। इसलिए फ्रेंक ने कहा था कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। तो ये आपका वृद्धि हो गया। उसी प्रकार हम विकास को समझेंगे। विकास का मतलब होता है परिवर्तन। अब इसमें हमने पढ़ा था इसके शरीर के आकार लंबाई में परिवर्तन। विकास में लंबाई आकार के परिवर्तन के साथ साथ उसके अंदर व्यवस्थित एवं समानुगत उत्तरोत्तर क्रम में परिवर्तन होता रहता है। वो आपका विकास के अंतर्गत उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, इन सभी क्षमताओं का विकास होता है। उसी तरह वृद्धि जो एक साधारण प्रक्रिया है, विकास जटिल प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर, जो विकास है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता है। विकास की कुछ परिभाषाएं उनके बारे में बताएंगे। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है। आपको मैंने पहले बताया कि विकास का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब है नहीं केवल बढ़ना बल्कि व्यवस्थित एवं समानुगत उत्तरोत्तर क्रम होना, उसकी आकार में परिवर्तन होना, उसकी लंबाई में परिवर्तन होना, उसकी पुरानी विशेषताओं का लुप्त होना। जैसे कि आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है, नवजात
शरीर में जो हड्डियां होती हैं 217 होती हैं। उसी प्रकार एक वयस्क मनुष्य होता है, उसके शरीर में जो हड्डियां होती हैं 206 होती हैं। तो उसका शरीर धीरे धीरे व्यवस्थित होकर उसकी हड्डियां कितनी रह जाती हैं 206। जब बचपन होता है शैशवावस्था बाल्यावस्था में जो बालक की हड्डियाँ होती हैं कोमल होती हैं लचीली होती हैं, उसी प्रकार उसके उसके अंदर विकास होता है, उसका शरीर विकसित होता है, उसकी हड्डियाँ कड़ी होने लगती हैं तथा उनकी संख्या 217 से होकर 206 रह जाती हैं। तो हड्डियों का बढ़ना, आकार में परिवर्तन होना, पुरानी विशेषताओं का लोप होना, ये हमारे विकास के परिवर्तन होता है। छोटे बच्चों को दूध के दांत होते हैं, जैसे बच्चे किशोरावस्था तक बालावस्था तक पहुँचते हैं दूध के दांतों का लोप हो जाते हैं। तो ये विकास की विशेषताएँ होती हैं। विकास की परिभाषाओं में पहली परिभाषा है आपकी विकास परिवर्तन श्रृंखला की उभय अवस्था है। विकास परिवर्तन श्रृंखला की उभय अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, ये आपकी परिभाषा थी मुंडलोन है। उसी प्रकार विकास दूसरी परिभाषा आपकी विकास जीव और उसके वातावरण की, जीव और उसके वातावरण की अंत क्रिया का प्रतिफल है। उसी प्रकार जो विकास है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये एक तरह का परिवर्तन है। सभी संसार के सभी प्राणियों में परिवर्तन होता है, एक परिवर्तन द्वारा ही संसार प्रगतिशील होता है। जिस प्रकार बच्चे के विकास के लिए वंशानुक्रम वातावरण दोनों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार वृद्धि के साथ साथ विकास का होना भी आवश्यक है। जैसे कि बच्चों के इसी विकास के माध्यम से हम बच्चों में प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, इन बच्चों की पहचान कर सकते हैं। उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है उसके आधार पर बच्चों को हम उनका आकलन कर सकते हैं। आपको वृद्धि और विकास के बारे में बताया हमने। जो विकास होता है इसमें होने वाले परिवर्तन लंबे समय तक चलते हैं तथा वह उन जीवन काल में उन अनुभवों के आधार पर ही अपनी प्रक्रिया को संपन्न करता है। आज की क्लास में इतना ही, कल हम इनके अंतर के बारे में आपको बताएंगे।